अगर आप एक एंट्री लेवल टैबलेट देख रहे हो 15-20 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट में और स्पेशली आपको सैमसंग का ही टैबलेट खरीदना है तो ये आता है सैमसंग का टैब A9 प्लस। इसमें आपको वाईफाई प्लस 5G 256 GB तक की स्टोरेज, उसके ऊपर एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल जाती है 1 TB तक, ये सब मिल जाता है 20 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पे। और ऑफर्स वगैरह जब चल रही होती है तो इसकी प्राइस 15 हज़ार तक भी आ जाती है कुछ सिनारियोज में। और इस प्राइस पॉइंट पर ये टैबलेट काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है आप लोगों के कंसिडर करने के लिए। तो अगर आप ये टैबलेट खरीदने का सोचो तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस टैबलेट की मदद से क्या क्या चीजें अच्छे तरीके से कर सकते हो और क्या क्या चीजें ये टैबलेट नहीं कर सकता जो कि आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने टैबलेट से। सबसे पहले इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है और अगर आप ओवरऑल फिनिशिंग देखोगे इस टैबलेट का तो वो आपको इस बजट के हिसाब से थोड़ी सी प्रीमियम लग सकती है। इस टैबलेट में दोस्तों आपको क्वाड स्पीकर देखने को मिल जाते हैं 2 टैबलेट के इस तरफ और 2 टैबलेट के इस तरफ, तो ओवरऑल मूवीज देखो या गाने सुनो आपको स्पीकर की क्वालिटी काफी तगड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब ऑडियो की बात चली रही है तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। इस टैबलेट में 200 डेटा बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हो, आपको बाय डिफॉल्ट वैसे तो 256 GB का स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा डेटा स्टोर करना है, मूवीज हो गई चाहे बुक्स हो गई, यहाँ पर आप एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ अप टू 1 TB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हो और अपना सारा डेटा अपनी टैबलेट में स्टोर करके रख सकते हो। अब सैमसंग का कोई भी टैबलेट ले लो, उसमें सैमसंग के जितने भी एडवांटेजेस है वो आपको ऑलमोस्ट सभी देखने को मिल जाते हैं। जैसे हार्डवेयर के लिए यहाँ पर आपको सैमसंग का नॉक्स का सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको सैमसंग की एक भरोसेमंद 11 इंच की देखने को मिल जाएगी जिसपे आपको कंटेंट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये काफी बड़ी डिस्प्ले है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये डिस्प्ले TFT LCD क्वालिटी की है और 90 Hz तक का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सैमसंग के जो पॉपुलर टैबलेट्स प्रीमियम टैबलेट्स हैं उनमें भी एमोलेड डिस्प्ले काफी ज्यादा महंगी टैबलेट्स में ही निकल के आता है। जैसे कि S9 सीरीज में तो सभी एमोलेड है लेकिन S8 में दोस्तों आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के जो टिपिकल यूज केसेस हैं जैसे यूट्यूब चलाना या नेटफ्लिक्स करना वो आप काफी कन्वीनियंटली और काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आप कर पाओगे यहाँ पर। सैमसंग के टैबलेट लेने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स वो लोग ऑफर करते हैं टैबलेट के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा UI 5.1.1 के साथ। अब सैमसंग के जैसे टिपिकल फीचर्स होते हैं, अगर आप स्पेशली वाईफाई प्लस 5G वाला वेरियंट लेते हो इस टैबलेट का तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको बाई डिफॉल्ट मिल जाएगी टैबलेट के अंदर। उसके बाद सैमसंग डेक्स का सपोर्ट मिल जाएगा, तो अगर आपको अपने टैबलेट को एक मिनी लैपटॉप की तरह भी यूज करना है तो वो भी आप काफी कन्वीनियंटली कर सकते हो। सैमसंग सिक्योर फोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा जिसकी मदद से आपकी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आपका पर्सनल डेटा है, तो वो आप उस सिक्योर फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हो ताकि किसी के लिए भी वो डेटा एक्सेस करना उतना आसान ना हो। इसी के साथ साथ आपको मल्टी विंडो का एक्सेस मिल जाता है जिसकी मदद से आप एक साथ एक टाइम पर 3 एप्लीकेशन तक खोल के रख सकते हो जिसकी मदद से आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है अगर स्पेशली आप एक स्टूडेंट हो तो। अब बजट टैबलेट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जनरली आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सैमसंग टैब A9 प्लस में आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल एंड्रॉइड 15 तक का सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा और सैमसंग पे भरोसा कर सकते हो कि वो बाकी ब्रांड की तरह गोची नहीं करेगा अपने अपडेट्स के लिए। अभी हमने बात करी थी सैमसंग डेक्स के बारे में, अगर आप इस टैबलेट में एक्सेसरीज लगाना चाहते हो एक्सटर्नली तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेसरीज का प्रोविजन भी है। तो मान लो आप कोई वायरलेस कीबोर्ड या माउस से कनेक्ट करना चाहते हो अपने टैबलेट को तो आप वो भी कर सकते हो। एक चीज जो दोस्तों मुझे यहाँ पे खटकती है वो है यहाँ पर एस पेन का सपोर्ट ना देना। अब क्योंकि यहाँ पे आपको एस पेन का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली एस पेन से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं आपको वो भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक स्टाइलस यूज करना चाहते हो अपने टैबलेट के साथ तो आप एक यूनिवर्सल स्टाइलस खरीद सकते हो जिसकी मदद से ये टैबलेट चल तो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि मेरे को नोट्स वगैरह लेने हैं तो यहाँ पर आपको पाम रिजेक्शन का फीचर देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपको अपना हाथ टैबलेट पे उठाकर ही लिखना पड़ेगा जो कि थोड़े टाइम के बाद अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट है एस पेन की मदद से नोट्स लिखने की तो दोस्तों ये टैबलेट आपके लिए सजेस्ट मैं नहीं करूंगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो ये एक बजट टैबलेट है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 का प्रोसेसर जो कि एक एंट्री लेवल चिपसेट माना जाता है। इसका ऑन टू टू स्कोर लगभग 4-4.5 लाख के आसपास आ जाता है, तो रॉ परफॉर्मेंस बेसिक कामों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा हेवी टास्क करने जाओगे जैसे कि गेमिंग हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया तो वो काम करने में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है इस टैबलेट के साथ। मतलब थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो लेकिन हेवी गेमिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको कम दिखेगा। बाकी दोस्तों बात यहाँ पे रैम की करी जाए तो यहाँ पर आपको 8 GB तक का रैम वाला वेरिएंट मिल जाता है जिसकी वजह से आपको ऐप मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत सारे ऐप्स भी एक साथ खोल के रख सकते हो। इसी टैबलेट में दोस्तों 4 GB वाला वेरिएंट भी आता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर लो तो सिर्फ 8 GB वाला वेरिएंट ही लेना, 4 GB रैम 2024 के हिसाब से थोड़ी सी कम पड़ जाती है।
आती है। बैटरी के डिपार्टमेंट में भी आप यहाँ पे सॉर्टेड हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 7000 mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आप आराम से 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो अगर आप एक अच्छा टैबलेट यूज करते हो तो। और स्टैंड बाय मोड में तो काफी ज्यादा लंबी बैटरी चल जाती है, 15-20 दिन तक भी इसको आपको चार्ज करने की जरूरत ना पड़े अगर आप इसको ज्यादा यूज नहीं करते हो तो। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 वॉट का सपोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। ये बता दूं कि चार्जर आपको बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं मिलता है, तो वो आपको बाहर से अलग से खरीदना पड़ेगा। कैमरा के डिपार्टमेंट में आपको रियर में 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाएगा। तो अगर आपकी वीडियो कॉलिंग्स वगैरह ज्यादा होती हैं जिनमें आपको वीडियो कॉल ऑन करना जरूरी रहता है, तो ये टैबलेट आपकी वो नीड्स को आराम से फुलफिल कर देगा। अगर आपको एक अच्छा नोट्स लेने वाला टैबलेट चाहिए तो ये वाले वीडियो में मैंने बात करी थी कि Xiaomi Mi Pad 6 क्यों आपके लिए एक बढ़िया टैबलेट हो सकता है। और अगर आप अपना बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो और आप कंफ्यूज हो कि भाई 20,000 रुपए के बजट में कौन सा टैबलेट खरीदा जाए, तो ये वाले वीडियो में मैंने बात करी कि मेरे हिसाब से 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में बेस्ट टैबलेट्स कौन सी मिल रही है आज की डेट में, तो आप ये जाके भी चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।